हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समीर। टेक्निकल जुगाड़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोटो एम। आप देख ही रहे होंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले आप नीचे के दोनों स्क्रू खोल देंगे। ये देखिए, मैंने दोनों स्क्रू इसके खोल चुका हूँ। स्क्रू खोलने के बाद कोई भी शार्प चीज़ से, ब्लेड या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर आप वो सब चीज़ यूज़ करना नहीं चाहते तो इसका एक ओपनर आता है, आप ओपनर की मदद से भी खोल सकते हैं। ये देखिए, मगर फ़ोन खोलने से पहले सिम निकालना ना भूलें। ऐसे ही प्लास्टिक कार्ड की मदद से दूसरी साइड से भी खोलेंगे। खोलने के बाद आहिस्ता से खोल के, ये फिंगर प्लग्स होती है, आप इसको हटाना मत भूलना। ये देखिए, मैंने हटा दिए। हटाने के बाद एक साइड रख दिया है। एक साइड रखने के बाद मैं पहले कंटिन्यूटी चेक करूँगा कि नीचे ये वायर ठीक है या नहीं है। अगर ये वायर ठीक होगी तो मैं इसके बाद भी बताऊँगा कि आपको फ़ोन में क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पर पांच स्क्रू लगे हुए थे, मैंने पांचों खोल दिए। खोलने के बाद एक साइड रखता हूँ मैं उसे। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका होगा, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उसको बीप पे कर सकते हैं या जहाँ शॉर्टिंग चेक करते हैं वहाँ कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है। आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ मीटर मुझे इसमें यहाँ लगाना है। यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस वाले पॉइंट पे ही आपको सिल्वर पॉइंट दिख रहा होगा एक। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, आप बीप की आवाज़ सुन रहे होंगे तो इसका मतलब ये वायर ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ लगाएंगे तो इसका मतलब वो करंट वहाँ पास हो रहा है। कोई नहीं, उसके बाद आप फ्लक्स वायर हटाएंगे, ये एंटीना। एंटीना वायर हटाने के बाद आप यहाँ देखेंगे, ये ब्लू कलर का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगने के बाद एक और उसके साथ में वो हल्का सा मुझे क्रैक लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वो जो रेजिस्टेंस मुझे क्रैक लग रहा है उसको मैं पूरी तरह हटाकर उसको रीसोल्ड कर दूँगा एक जंपर की मदद से। यहाँ था वो, ये देखिए, वो नीचे भी गिर चुका है, ये रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये टूटा हुआ था, ये रहा। इसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था इसमें। इसमें आपने सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा वायर,
वायर बिल्कुल वायर बिल्कुल सही सोल्ड करनी है, नहीं तो नेटवर्क नहीं आएगा क्योंकि वो फिल्टर है। ये देखिए मैंने सही से वायर सोल्ड कर दिया है और ये नेटवर्क वायर भी लगा दी, और ये नेटवर्क एंटीना लगा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद सिम डालूँगा, फिर देखूँगा कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ दो तीन स्क्रू लगा देता हूँ चेक करने के लिए। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो मुझे इसे दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा, फिर फ़ोन पहले से ही ऑलरेडी खुला होगा। ये देखिए नो सर्विस, ये देखिए वोडाफोन आ चुका है मगर नेटवर्क पूरा नहीं आ रहा। अगर नेटवर्क पूरा नहीं आ रहा तो एक बारी हम दोबारा चेक करेंगे कि वो वायर सही से लगी है या नहीं। जी हाँ, वो वायर बिल्कुल सही लगी है। मैं दोबारा सिम डालूंगा, फिर दोबारा चेक करूंगा। ये देखिए मैंने सिम ली और ये मैं फ़ोन में डाल रहा हूँ, एक बारी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। चार्जिंग लगा लेता हूँ मैं, बैटरी थोड़ी लो है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ नो सिम है, ये मैंने स्लाइड करी सिम। देखिए नेटवर्क फुल आ चुका है। फ्रेंड्स इसी तरह आप किसी भी फ़ोन का नेटवर्क रिपेयर कर सकते हैं अगर उस फ़ोन में ये प्रॉब्लम है जो मैंने अभी सामने रिपेयर करी है। अगर इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम भी होती मैं वो भी रिपेयर करता और उसकी वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाता। चलिए कॉल भी लगा कर देख लेते हैं। आप सुन रहे होंगे, कॉल भी लग चुकी है। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।